One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. बताया जा रहा है कि सोडियम लाइट की जगह एलईडी लाइट लाई गई है और इसके बारे में आपने यहाँ एजुकेशन भी लगाया हुआ है जी, तो इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताओ। सर, इसकी खासियत ये है, ये आपको ऊर्जा बचाने में एनर्जी एफिशिएंट है। ये एलईडी लाइट ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 150 वाट सोडियम वेपर कहीं पे यूज़ किया जा रहा है एलईडी लाइट के, तो वो 60 वाट के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। रोशनी में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होने के कारण ये हमारे एनर्जी सेव करता है। इसमें अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो कितने की जो सोडियम लाइट कितने की थी और एलईडी लाइट जो अब है वो कितने तक की चार्जेस बढ़ते? सर, इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट वी कैन से, और इंटायर इसको लगाओ और भूल जाओ। जाहिर सी बात है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आप लगाते हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है, उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो अगर मैं 60 वाट की बात करता हूँ एलईडी स्ट्रीट लाइट की, दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 18-19,000। लेकिन अगर आप उसको लगाते हैं, आपकी बिजली, आपका जो बिजली का बिल आता है, दैट वुड रिड्यूस बाय 40-50%। एनर्जी एफिशिएंट कहने का मतलब ये है सर। इसमें जो हम पैनल देख रहे हैं, इस पैनल का ड्राइवर अलग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात पैनल्स के साथ ड्राइवर है सर। इनकेस हमारा एक पैनल फेल हो जाता है तो बाकी के 6 पैनल चलते रहेंगे। इसकी खास बात यह है, इसके बीच में सर जो गैप है, ये हीट सिंक से हीट को बाहर निकालता है और कूल एयर अंदर लेता है। इसमें सर लेंस लगे हैं, इसमें लेंस लगे हैं जो लाइट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उससे पहले कितना साल चला था? सर 25,000 घंटे। अब उसको सर 50 साल चला है चाहे 10 साल चला है, 25,000 घंटे। कितनी कॉस्टिंग है इसकी? सर 600 रुपये एक बल्ब। इसमें दो वैरायटी सर, क्रीम वाइट और वॉम वाइट। क्रीम वॉम वाइट, दिस इज कूल वाइट। सर हमारे पास तो 10 वॉट का है हाईएस्ट पावर, इसको 60 वॉट तक लेके जा सकते हैं। यस सर।